आज का प्रश्न, विच सोशल रिफॉर्मर ऑफ महाराष्ट्र वॉज नोन एज लोकहितवादी? लोकहितवादी किसे, महाराष्ट्र के एक सोशल रिफॉर्मर है, किन्हें बुलाया जाता है? ए गोपाल हरी देशमुख जी, सबको पता है, ठीक है, गोपाल हरी देशमुख जी, तो इनके बारे में जानते हैं। गोपाल हरी देशमुख जी है, इनको लोकहितवादी कहा जाता था। ये एक राइटर और सोशल रिफॉर्मर है महाराष्ट्र से। 18 फरवरी 1823 को जन्म हुआ था और 9 अक्टूबर 1892 में इन पूरे हो गए थे। ठीक है, तो गोपाल हरी देशमुख जी ये चितपवन ब्राह्मण फैमिली में पैदा हुए थे और इनके बारे में जैसे हम देखते हैं तो करियर इनका एक ट्रांसलेटर की तरह गवर्नमेंट के अंडर शुरू हुआ था। पहले इन्होंने ब्रिटिश राज के अंडर 1867 में काम किया था और फिर बाद में ये जज अहमदाबाद गुजरात में लग गए थे। ठीक है, तो जज 1867 वाला पीरियड, फिर दीवान ये रतलाम स्टेट के बने थे, तो मेजर पोजिशंस पे रहे थे, लर्नेड इंडिविजुअल थे। तो देशमुख जी इन्होंने आर्टिकल्स शुरू कर दिए थे लिखने बहुत ही छोटी उम्र में, सोशल रिफॉर्मर की तरह इन्होंने काम किया था और 25 साल की उम्र में अपना इनका पेन नेम था, जैसे लिखते हैं ना तो उस टाइम पे शुरू में जब लिख रहे होते तो अपना एक पेन नेम होता है, लोकहितवादी, लोगों के वेलफेयर के लिए जो काम करता है, लोगों के हित के लिए काम करने वाले। ठीक है, तो ये प्रभाकर है, ये वीकली आता था उस टाइम पर, उसमें इन्होंने लिखा था। तो शुरू में जब ये लिख रहे थे तो पहले 2 साल है ना इन्होंने अराउंड 108 आर्टिकल्स लिखे थे। ये सोशल रिफॉर्म्स की बात कर रहे थे, इस वजह से लोगों के बीच में जैसे मराठी लिटरेचर में ये लोकहितवादिनी, इन्होंने लोकहितवादिनी शतपथ, ये मराठी लिटरेचर, ये जो इनके आर्टिकल्स की कंपाइलेशन है लिटरेचर के अंदर उसको कहा जाता है। तो एक लीडरशिप था इन्होंने, ये ज्ञान प्रकाश, इंदु प्रकाश और लोकहितवादी, ये पीरियोडिकल्स महाराष्ट्र में शुरू किए थे। तो कहीं ना कहीं ये क्या कर रहे हैं, लोगों के बीच में है ना इंफॉर्मेशन डिसेमिनेट कर रहे हैं। फिर ये पानीपत वॉर, काल योग, जाति भेद और ये लंकेचा इतिहास, ये सब भी इन्होंने जैसे इंग्लिश वर्क्स थे इनको मराठी में ट्रांसलेट किया था। और 1880 में ये उस टाइम के गवर्नर जनरल काउंसिल में मेंबर थे और जज की तरह इंट्रोड्यूस हुए थे। फर्दर इन्होंने बीच में खादी, जब दिल्ली दरबार हुआ था 1876 में, उस टाइम पर इन्होंने खादी पहना था और अपना एक नेशनल सेल्फ रिलायंस के प्रति अपना एक पर्सपेक्टिव, अपना सपोर्ट शो किया था। ठीक है, लोकहितवादी है, सोशल रिफॉर्मर थे और सेल्फ सफिशिएंसी को प्रमोट करते थे, वेस्टर्न एजुकेशन को सीख करते थे, चाहते थे कि लोग पढ़े। ठीक है, तो उस टाइम पर ये क्या बिलीव करते थे कि जो एजुकेशन है ये एक आउटलुक, एकदम लोगों का पर्सपेक्टिव, रैशनल आउटलुक को डेवलप करती है। और उस टाइम पे जो भी कंट्री के प्रेसिंग इश्यूज थे, प्रॉब्लम्स थी, उसमें ये एक तरह से रिफॉर्म लाने की बात कर रहे थे। इसके अलावा ह्यूमैनिटेरियन और सोशल सर्विस कर रहे थे और ये कहते थे कि ह्यूमैनिटेरियनिज्म या सोशल सर्विस करना ये सबकी लाइफ की एक ड्राइविंग फोर्स होनी चाहिए ना, कि जीवन में हमें इन एरियाज के लिए काम करना चाहिए। बाकी स्कॉलर है, बहुत ब्रिलियंट स्कॉलर थे, बहुत से आर्टिकल्स इन्होंने पब्लिश करे हैं। इसके अलावा इनके ऐसे लोकहितवादी, इसके अंदर उस टाइम पर लोगों में जो ऐसा कहा जाता है कि लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं थी, वाइड स्प्रेड उस टाइम पर इग्नोरेंस था, सोशल वैल्यूज बहुत ज्यादा आउटडेटेड थी और एक रिलीजन की बहुत ज्यादा, जो लोगों का जीवन है, सोशल लाइफ है, उसमें रिलीजन का बहुत ज्यादा डोमिनेंस थी। और जो भी अपर क्लासेस है ना, वो सेल्फिश, उनकी सेल्फिशनेस की वजह से, और एक स्ट्रॉन्ग सपोर्टर थे ये विमेन राइट्स के लिए, जो प्रोपोनेंट की तरह इन्होंने काम किया है कि विमेन का वेलफेयर हो सके, फीमेल एजुकेशन के लिए इन्होंने बहुत ज्यादा काम किया था। फर्दर इनके बारे में जानते हैं, इनके जीवन के बारे में,
महाराष्ट्र है, यहाँ पर से इंग्लिश एजुकेटेड जनरेशन है इनके टाइम पर थी, तो वो क्या करने लगी, जैसे पिछले जो समय था जो लोगों के आइडियाज थे उसको क्वेश्चन करने लगी थी, ओल्ड ट्रेडिशंस को क्वेश्चन करने लगी थी, जो इंस्टीट्यूशन है, वैल्यूज है, कस्टम है, और उससे क्या हो रहा था, कहीं ना कहीं जो भी हो रहा है उस समय में उस चीज पे प्रश्न चिन्ह लगा रहे थे, ठीक है, क्वेश्चन कर रहे थे कि रीजन, वे रीजन दो ऐसा क्यों करते हो, भगवान के लिए ऐसा करना पड़ता है, क्यों करना पड़ता है, सोसाइटी में होते हैं कि हम तो बचपन से ऐसा करते आए हैं, क्यों करते आए हैं, वही एक प्रश्न चिन्ह लगाना, और इसको फॉलो करते हुए इन्होंने री एग्जामिनेशन किया, दोबारा से सारी चीजों को देखा और रियलाइज किया कि जो सोसाइटी है इसको रिफॉर्म करने की जरूरत है, क्योंकि ओवरऑल जो इन्वायरमेंट है उसमें बदलाव आ रहा था, वही ना कि मॉडर्नाइजेशन आ रही है, उसके अकॉर्डिंगली सबको चेंज करना चाहिए, और इसी की वजह से उस टाइम पर जैसे हम कहते हैं ना कि तीन अंडर करंट्स थे जिन्होंने रिफॉर्मेशन लाई थी, एक गोपाल हरि देशमुख जी है, इसके अलावा विष्णु बुवा ब्रह्महारी, और तीसरा ज्योतिबा फुले, तीनों के आइडियाज को अगर आप देखो तो यहाँ पर गोपाल हरि देशमुख जी ये चाहते थे ऑल साइडेड रिफॉर्मेशन, कि हर एरिया में बदलाव लाना है, और रिवाइवलिज्म की बात कर रहे हैं ना विष्णु बुवा ये ब्रह्महारी, और आपका जो ये ज्योतिबा फुले है ये पॉपुलिज्म की बात कर रहे होते थे, तो उस टाइम पर चेंज ना कि चेंज कैसे ला जाए, वही है कि जो भी सोशल इश्यूज है, जो भी सोशल प्रॉब्लम्स है उसमें बदलाव को प्रपाउंड कर रहे थे, बाकी इन्होंने जैसे बुक्स लिखी है जो भी इंपॉर्टेंट बुक्स है, तो इनका कहीं ना कहीं प्राइमरीली हिस्टोरिकल काम था, है ना, जैसे 1848 ऑनवर्ड्स इन्होंने पब्लिश करे थे बहुत सारे आर्टिकल्स धर्म के ऊपर, सोसाइटी के ऊपर, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, एजुकेशनल टॉपिक्स, यहाँ प्रभाकर के अंदर, और यहाँ पर इनका नाम क्या था, लोकहितवादी, इसके बाद इन्होंने यहाँ ये 108 आर्टिकल्स, इनको शतपत्र कहा जाता है, 1860 में इसको कलेक्ट किया गया था, लोकहितवादी कर्ता निबंध संग्रह, इसके अंदर जो भी इनके आर्टिकल्स थे उसको संग्रहित किया गया और फिर पब्लिश किया गया, और कहीं ना कहीं क्या कि सोशल रिफॉर्म्स की डिमांड कर रहे थे, शतपत्र है या आउटस्पोकन इम्पेशेंट और पेनिट्रेटिंग एनालिसिस था सोसाइटी की प्रॉब्लम्स का, सोसाइटी में जो भी इल्स है उनके बारे में इन्होंने बताया था, फिर इन्होंने किताब लिखी थी है ना स्वाध्याय अथवा आर्या विद्यांचा कर्मा, दूसरा विचार अनि परिकसना, ये क्या है, स्टडी ऑफ द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द आर्यन लर्निंग, और थॉट्स एंड रिव्यू बुक मैंने इसके ऊपर लिखी थी, तो ये कहीं ना कहीं इनके मॉडरेट डिक्टेशन में थी, और ओवरऑल इसमें क्या हो रहा है कि जो रिफॉर्मर्स है ना कि कैसे उनका एक पर्सपेक्टिव कि रिफॉर्म कैसे लाया जाए, तो कहीं ना कहीं रिफॉर्मर की तरह, क्योंकि प्रश्न क्या था कि सोशल रिफॉर्म्स ना इसमें इनका रोल, जैसे हम बात करें शतपत्री और स्वाध्याय, ये कहीं ना कहीं किस चीज के लिए कि ओवरऑल जो लोकहितवादी है ना वो क्या कर रहे थे, अनलॉक कर रहे थे जो भी मिस्ट्रीज है, बुक्स एसेंशियल लोगों को क्या समझा रही है, तो जनरली दोनों में एक जैसी बातें हैं, बट जो यहाँ पर स्वाध्याय है इसमें ज्यादा क्लियरली डिवोटेड है उस टाइम के जो वेदी केरा है, वेदी केरा के बारे में इसमें ज्यादा बातें की गई है, इसके अलावा जो शतपत्री है ये डेमोन्स्ट्रेट कर रही थी जो उस टाइम पर ना एक मतलब इससे ये चीज शो होती है कि इनका बहुत ज्यादा अच्छा ग्रेस्प था कि जो भी करंट इश्यूज थे, जो भी करंट इवेंट्स चल रहे थे, और फिर उसमें रिफॉर्म्स भी सजेस्ट कर रहे थे, और हम एक चीज देखते हैं ना कि इनका बहुत ही ज्यादा मॉडर्न और एक सेक्युलर आउटलुक था, और किस टाइम पे छोटे बहुत थे, ठीक है, तो स्टार्ट कब कर दिया इन्होंने, 24-25 में इन्होंने ना लिखना शुरू कर दिया था, और उस टाइम पर ये इतने रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये एजुकेटेड थे उस चीज में हेल्प हुआ है, इसके अलावा इन्होंने वही कहते हैं कि जो भी फॉलीज थी अपने कंट्रीमैन की है ना उन्होंने इसको देखा है, उसको क्रिटिसाइज किया है, ब्लेम किया, और ये कह रहे थे कि जो भी फॉलीज है हमारी कंट्रीमैन की दैट इज टू बी ब्लेम्ड फॉर द करंट कंट्री स्टेट ऑफ डिस्टीट्यूशन, उस टाइम पर क्या चल रहा था, अंग्रेजों के अंडर थे, ठीक है, और कहीं ना कहीं उस वजह से हमारा और एक्सप्लॉयटेशन बहुत हो रहा था, और उसमें हमारा अपना भी एक रोल है ना, वो ये बात कह रहे थे कि हमारा जो फॉलीज है कंट्रीमैन की ना वो दैट इज टू बी ब्लेम्ड फॉर इट, इसके अलावा ये सबसे पहले इन्होंने जो लॉन्ग स्टैंडिंग अथॉरिटी और ट्रेडिशंस थे उसको प्रश्न चिन्ह लगाया था, ऐसा कहा जाता है कि सबसे पहले इन्होंने क्वेश्चन किया कि हाँ इश्यूज जो चल रहे हैं और उसमें बदलाव, और बदलाव कैसे हो सकते हैं, इन्होंने किस क्या बात कही कि एजुकेशन, वेस्टर्न एजुकेशन और नॉलेज की पावर, इस पे फोकस किया था, और ये भी कहते हैं तभी तो आप देखोगे ना कि एजुकेशन पे इनका बहुत फोकस है,
विमेन एजुकेशन पे भी इन्होंने बहुत काम किया था। एज अ सोशल रिफॉर्मर अगर हम इनको देखेंगे, नहीं ये कन्विंस्ड थे कि ये नेसेसरी है कि सोशल रिफॉर्म होने चाहिए, और रिफॉर्म को ये क्या कहते थे, पाथ टूवर्ड्स दी कॉमन गुड। अगर आप जो सोशल रिफॉर्म है, अगर सोसाइटी में बदलाव लाएंगे, दैट इज द पाथ टूवर्ड्स द कॉमन गुड। इसके अलावा इन्होंने थॉटफुल रिफ्लेक्शन करी है रिलीजन पे, पॉलिटिक्स पे, इकोनॉमिक्स पे, सोशल इश्यूज पे और एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स पे, और ये सब इन्होंने अपने जो 100 एपिस्टल्स है इसमें लिखा है। फर्दर इन्होंने क्रिटिसिज्म किया था सोशल इश्यूज का, जो भी मतलब ऑल इनकम पासिंग हम कहते हैं, सारी बातें जो इनके एपिस्टल्स है, ये डेमोन्स्ट्रेट करती है कि कहीं ना कहीं देश के लिए बहुत ज्यादा पेट्रियाटिक जील थी और अपने देश के लिए है ना इनको डीप लव था। और ओवरऑल जो महाराष्ट्र के है ना ये जितने भी इंटेलेक्चुअल्स हैं, इनकी जो सैडनेस है कि हम पॉलिटिकली इंडिपेंडेंट नहीं है, उसको ये एक्सप्रेस कर रहे थे। फर्दर अगर हम देखें तो सबसे पहले इन्होंने कंसीडर कर रहे थे कुछ फैक्टर्स जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं हमारी लॉस ऑफ इंडिपेंडेंस, कि हम क्यों नहीं, क्यों हारे हैं। तो ये किस चीज पे ब्लेम कर रहे हैं कि 8 फैक्टर्स है जिसको ये क्या बोलते थे, हिंदू सशस्त्र है ना, सशस्त्र। तो यहाँ पर 8 एग्रीगेट कॉजेज है जिसकी वजह से हमारा जो हिंदूज है ये रुइन हुए हैं और हम इंडिपेंडेंट नहीं रह पाए। क्या इश्यूज है, इग्नोरेंस ना, इग्नोरेंट है, हमको पता ही नहीं है। लॉस ऑफ लर्निंग ना, सीखना बंद कर दिया है जो पहले भी था और जो नई चीज है उनको भी नहीं सीख रहे हैं। डोमिनेंस ऑफ फुलिश ब्राह्मिन्स है ना, जो ब्राह्मिन है ना वो अपनी बातें बता रहे हैं, उसको बिना क्वेश्चन किए माना जा रहा है। और मिसगाइडेड रिलीजियस नोशंस है ना, जो धर्म के नाम पे जो नोशंस है वो बहुत ज्यादा मिसगाइडेड है। फैटलिज्म और ब्लाइंड ट्रेडिशंस वर द कॉजेस ही एनुमरेटेड टू अवॉइड ओवरलैपिंग इन हिज आर्ग्यूमेंट्स। तो ये इनके रीजंस ये कह रहे हैं जिसकी वजह से हम अपने इंडिपेंडेंस को खो चुके हैं। ऐसा था ना, एक तारणहार का कॉन्सेप्ट है कि कौन बचाएगा, जब जब धरती पे बहुत ज्यादा है ना बुराई आती है तो फिर भगवान आता है बचाने, हमको कुछ नहीं करना है ना, आप बस वेट करो और बस भगवान का नाम जपो, कहीं ना कहीं इजी हो जाता है फिर ऐसे लोगों को कंट्रोल करना, ऐसे लोगों के ऊपर है ना अट्रॉसिटीज करना। फिर उन्होंने लेटर्स लिखे थे और कहीं ना कहीं इंसाइट देते हैं कि जो जर्नलिज्म है, रिफॉर्म है, उसके एफर्ट्स और ओवरऑल जो कोर्स है इनके लाइफ का है वो कैसे चेंज हुआ था। उन लेटर्स में जैसे उन्होंने बात कही है, I request to you all people to begin to read new books and newspapers and to observe what is happening around you. शुरू से ये बात कर रहे हैं, पढ़ो, इससे क्या होगा, आपको पता चलेगा आपके आसपास क्या हो रहा है, नहीं तो क्या है ना, आपको एक्सप्लॉइट किया जा सकता है, लोगों को पता ही नहीं लग रहा है कि एक्सप्लॉयटेशन कैसे हो रहा है। फर्दर ये क्या बात करें कि नॉलेज को डिसेमिनेट करना है भगवान की जैसे यूनिवर्स की, तो ये सब लोगों को पता होना चाहिए। अगर आपको पता है कि ज्योग्राफी में तो ये भाई धरती के चारों तरफ धरती कैसे घूम रही है ना, कुछ चीजें धरती के चारों तरफ घूम रही है मून है ना, कुछ चीजों के चारों तरफ धरती घूम रही है और फिर ये पूरा सोलर सिस्टम घूम रहा है एक ब्लैक होल के चारों तरफ। तो अगर है ना नॉलेज डिसेमिनेट की जाए लोगों को, तो स्टॉप बीइंग अ स्लैकर, असाइन द पोस्ट और लीडर्स किसको बनाओ, एक स्लैकर जैसे ना कि बस पहले ऐसा होता था उसी पे लटके हुए, ये क्या कह रहे हैं, लीडर्स किसको बनाना चाहिए, वो इंडिविजुअल जो सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट हो, ठीक है, उस इंडिविजुअल को लीडर बनाओ जो सच में पढ़ा लिखा है, जिसको सच में नॉलेज है, तो ही रिफॉर्म हो सकते हैं। फर्दर क्या बात करें, ऑल मेन शुड स्ट्राइव फॉर यूनिटी, सबको एक साथ आना चाहिए, रिमेंबर दैट देयर शुड बी नो शिज्म बिटवीन अस, जो पुरानी चीजों पे लटकना है या आपस में लड़ाइयां करनी उस पर नहीं। एक्सपैंड योर नॉलेज एंड मूव फॉरवर्ड, कीप एन आई ऑन हाउ द गवर्नमेंट वर्क्स एंड हु इज इन चार्ज एंड हाउ ही एक्ट्स। तो बार बार पढ़ो, न्यूज़पेपर्स पढ़ो, देखो चीजें क्या हो रही है, कैसे बदल रही। तो अपने लेटर्स में उन्होंने लोगों को ये बातें कही थी कि सरकार क्या कर रही है, कैसे कर रही है ना, और उसमें क्या बदलाव चाहिए, इनके बारे में इन्होंने कहा था। अगर रिलीजियस आइडियाज की हम बात करते हैं तो लोकहितवादी देखो क्या रिलीजन को बिल्कुल ही मना कर रहे हैं, ये बस ये कह रहे हैं कि रिलीजन को रैशनली अप्रोच करो। हिंदूज है ना वही कह रहे हैं कि हैज नॉट येट बिगन टू थिंक फॉर देमसेल्फ, जो पहले से चला रहा है बस वही देख रहे हैं, बाकी स्टिल इट इज नॉट स्टिल क्लियर टू देम दैट द माइंड इज अ बिग सीक्रेट बुक, दैट द रिटन सीक्रेट बुक एंड ऑल द एंड ऑल अदर्स आर इंफीरियर टू इट। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, दिमाग। किसी किताब में अगर कुछ लिखा है शुरू से देखो ना क्या बात कह रहे हैं, रीजन करो चीजों को,
क्वेश्चन करो चीजों को, किसी किताब में कुछ लिखा है सिर्फ इसलिए वो ठीक नहीं है। सबसे ज्यादा सीक्रेट क्या है? हमारा दिमाग। ठीक है, हमको भी तो नॉलेज मिली है तो उससे इंटरप्रिटेशन करनी चाहिए। बाकी जैसे इन्होंने कंक्लूजन क्या दिया था, जितने भी होली स्क्रिप्चर्स हैं इसको सबको रीजन से टेस्ट करो, और जब जज करो अपने रिलीजन को एक प्रैक्टिकल स्टैंड पॉइंट से कि क्या आजकल अप्लाई हो सकता है। वेदास की जो बात है, ठीक है, ये ऋषिज ने कंपोज किया था जो बहुत बड़े सेंट्स थे और राइटर्स थे, पर वो डिवाइन बींग नहीं है, हमारे जैसे ही लोग थे, उनके टाइम की जो रिक्वायरमेंट थी उसके हिसाब से उन्होंने एक बनाया है बुक्स, है ना, बस हम उसमें और वर्क कर सकते हैं और चेंज ला सकते हैं। बाकी कास्ट है, ये एस्टैब्लिश बेस की गए ये कैरेक्टरिस्टिक्स लोगों के और उनके ऑक्यूपेशन पे रादर देन अ डिवाइन डिग्री। ऐसा नहीं कि भगवान ने कहा कि बस वो, जैसे वो लिखा है ना मनुस्मृति में कि ब्राह्मण है ना मुंह से, फिर वैश्य क्षत्रिय शूद्र, तो जो डिविजन दिया है कि डिवाइन है ना एक तरीका है, तो वो नहीं है डिग्री, सिंपली ये कि काम कैरेक्टरिस्टिक आदमी जो काम कर रहा है उसके बेस्ड पे ही समझना चाहिए। फर्दर अवतार, अवतारों की जो बात है, वो कौन थे? कहने वो हीरोज थे, हीरोइक हीरोज, जिन्होंने ब्रेव थे, वर्चुअस थे, और पुराण पुराण से उनका ये री इनकारनेशन का आइडिया आ रहा है। बाकी मंत्रों की ये बात कह रहे हैं कि मंत्राज एफिजी ये फिक्टिशियस है, एस्ट्रोलॉजी ये एक डिसेप्शन है और हमको कॉम्बैट करना पड़ेगा सती कस्टम को। जैसे विडोज की हेयर कटिंग है या चाइल्ड मैरिज है, तो उस टाइम पर जो भी इश्यूज थे और खासकर जो रिलीजन से कनेक्ट करते हैं उनको प्रोहिबिट करने की बात, विडोज रीमैरिज की बात, ये सब करते थे। बाकी जो रिलीजन है ये क्या कह रहे थे कि अगर इसको पास टू गॉड की तरह समझा जाना चाहिए और कंडेम नहीं करना चाहिए। देखो तो जो इश्यूज है उनको रेक्टिफाई करो और ओवरऑल जो धर्म के पॉजिटिव पॉइंट्स है उसको आगे लेके हमको मूव करना चाहिए। फर्दर प्रार्थना समाज है, तो प्रार्थना समाज का जो मतलब पॉलिटिकल आउटलुक था, सोशल आउटलुक था, उसके साथ ये रिलेट करते थे, शेयर कर रहे हैं इनका फिलोसफिकल आउटलुक, और ये बिलीव करते थे कि यूनिवर्स में सिर्फ एक ही भगवान है, इस प्रार्थना समाज में तो एक ही रूलर है, एब्सोल्यूट बीइंग है, और जो ह्यूमन सोल है ये फंडामेंटली थोड़ा थोड़ा अलग है। तो ह्यूमन सोल ये लोअर नेचर की है, गॉड है, ये ऑल पावरफुल है, गॉड है, यूनिवर्स में जो भी क्रिएशंस कर रहे हैं, प्रिजर्वेशन डिस्ट्रक्शन ये भगवान की वजह से होती है, और जो यूनिवर्स है ये अनरियल नहीं बन जाता चेंजेस की वजह से जो भी वो कर रहे हैं। वर्ल्ड एक रियलिटी है और मैटर एक इंडिविजुअल का पर्सनल एक्सपीरियंस है, इस पर्सपेक्टिव को रखते हैं। प्रार्थना समाज में भी ऐसी बातें होती है। इसके अलावा ये क्या बात कर रहे थे कि जो कॉन्ट्रीब्यूशन है डेवलपमेंट का, एक लिबरल फिलोसफी, जो रिबुलर पॉलिटिकल फिलोसफी की ये बात करते हैं, और कहीं ना कहीं ये किन से, किन आस्पेक्ट से जुड़ी है, जैसे फॉरन में जो बातें हो रही थी किससे इंस्पायर्ड है ये, जो उस टाइम पर ना जर्मी बेंथम है, जेम्स स्टुअर्ट मिल है, जेम्स मिल, जेम्स मिल, तो ये जो लोग हैं इनके आइडियाज को ये इम्बाइब कर रहे थे, और ये क्या कहते थे कि स्टेट एग्जिस्ट टू सर्व द पीपल्स बेस्ट इंटरेस्ट। सरकार किस चीज के लिए है? लोगों के फायदे के लिए, लोगों के इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए, तो इसके लिए हमको काम करना चाहिए। फर्दर इस अकॉर्डिंग टू, अब ये क्या क्या बात है, गवर्नमेंट कैसे होनी चाहिए, गवर्नमेंट सेफगार्ड करे इंडिविजुअल की लिबर्टी को, जो भी व्यूज है इंडिविजुअल के, तो यहाँ पर व्यूज लोगों के, इसको लिया जाना चाहिए, काउंट करना चाहिए, और एडमिनिस्ट्रेशन लोगों की कंसेंट पर बेस्ड होना चाहिए। जो रूलर होगा, रूलर ये लोग चूज करेंगे, हमेशा ये बात कह रहे हैं कि उन सब लोगों में से जो बेस्ट है उसको चूज करो, और वो जो इंडिविजुअल है वो अपनी शक्तियों का दुरुपयोग ना करें। वो कोई डिवाइन इंस्टीट्यूशन नहीं है, वो लोगों ने बनाया हुआ इंस्टीट्यूशन है, उस हिसाब से काम करना चाहिए चीजों को, या सरकार को रूल ऑफ लॉ से काम करना चाहिए, लॉ बेस्ड होनी चाहिए चीजें, ठीक है। बाकी जो सिटीजन है उनका सेम राइट और रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेंगी जैसी गवर्नमेंट की भी है, साथ में आगे काम करें, और जो स्टेट की प्रोटेक्शन की सेक के लिए जो लेजिस्लेशन, ये सबके लिए बराबर होना चाहिए, चाहे कोई भी कास्ट का इंडिविजुअल है, क्रीड का इंडिविजुअल है, उनके बीच में कोई फर्क नहीं करना चाहिए, स्टेट सबके लिए बराबर है। बाकी लोकहितवादी रिकॉग्नाइज कर रहे थे कि जो प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी है,
और एक ना इंग्लिश इंडियन रिलेशनशिप, इसको भी ये समझने की कोशिश करेगी। उस टाइम अंग्रेज इंडिया में रह रहे हैं तो कुछ वेलफेयर तो उनकी वजह से हो रहा था। जैसे कह रहे हैं ना कि एजुकेशन है, मॉडर्न एजुकेशन उनकी वजह से आ रही है, आइडियाज आ रहे हैं, रिफॉर्म्स आ रहे हैं, तो यही कह रहे थे कि हाँ इसको भी हमको साथ लेके आना चाहिए। बाकी इसको इन कॉन्ट्राडिक्शन यहाँ पर इन्होंने कुछ स्टेट्समैन के साथ, जैसे इन्होंने क्या ऐड किया था, जो करंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ये कैसी है, नॉट फॉर द इंडियंस, ऐसा है कि हमारे फायदे के लिए अंग्रेजी सरकार काम नहीं कर रही है। इसके लिए इन्होंने क्या लिखा था, है ना, कि ये कह रहे थे ना, प्रोवाइडेड देम विद द राइट्स दैट वर ड्यू, हिंदुस्तानियों के जो राइट्स है वो ये लोग प्रोवाइड नहीं कर रहे। तो इन्होंने एक और बात लिखी थी कि इन्होंने एडवोकेट किया था कि एक इंडियन पार्लियामेंट होनी चाहिए जिसमें कौन लोग होने चाहिए, वाइजेस्ट जो लोग होंगे उनको इलेक्ट किया जाना चाहिए रिगार्डलेस ऑफ कास्ट रिलीजन। और इवन इन्होंने एक और बात कह दी थी जो बाद में थोड़ी सी कंटेस्ट भी हुई थी कि रिलीजन के अलावा नेशनैलिटी भी एक वो नहीं होना चाहिए, से नहीं होना चाहिए। अगर कुछ अंग्रेज भी है और वो भी वाइज है, अच्छे हैं, और वो इंडिया के वेलफेयर की अगर बात करते हैं तो उनको भी इंक्लूड किया जाना चाहिए हमारी पार्लियामेंट में। तो काफी वाइड पर्सपेक्टिव था। आप देख रहे हो कि जैसे प्रश्न आया था इनके बारे में कि सोशल कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ गोपाल हरि देशमुख जी, एक तो हम ये चीज देखेंगे तो एजुकेशन के ऊपर काम कर रहे हैं, सोसाइटी में चेंज लाने के लिए उन्होंने बात करी, एक मॉडर्न पर्सपेक्टिव में एंजॉय लाने की बात कर रहे हैं, वो है ठीक है, इसलिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है।